मैं इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जनूबी हिस्से में वहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ पे हमारा रिवर इंडस जाके समंदर में मिलता है। और ये जगह तकरीबन समंदर और रिवर के कन्फ्लुएंस से कम बेश 40 से 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम है। अब पानी की कमी का होना और उसके बाद जो हमारे इनएडिक्वेट वाटर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है, उसकी वजह से पाकिस्तान पूरे का पूरा इफेक्ट तो हुआ है नेगेटिवली, जिसमें हमारी इकॉनमी इफेक्ट हुई है, हमारी इकोलॉजी इफेक्ट हुई है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान की सोशल लाइफ भी बहुत इफेक्ट हुई है। लेकिन ये इलाका जो है डाउन साउथ कोटरी, इसमें बहुत नेगेटिव इफेक्ट हुए हैं। अब जहाँ जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से अगर आप अपस्ट्रीम देखें तो इस वक्त कोटरी से कमोबेश जो पानी नीचे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से डिस्टेंस कोटरी हैदराबाद का तकरीबन 160-170 किलोमीटर है, और यहाँ से साउथवर्ड जो है समंदर तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर है, और हमारे वेस्ट में यहाँ पे कराची तकरीबन 120 किलोमीटर है, और यहीं से तकरीबन 40-50 किलोमीटर अपस्ट्रीम थट्टा है, और अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएँ तो वहाँ पे बदीन है। अब इस इलाके में जो दो बुनियादी मसाइल ये हैं कि एक अफरियत या मैनेस है सी इंट्रूजन की, क्योंकि जब लो फ्लो एरियाज़ होते हैं तकरीबन 6 से 7 महीने तक तो सी इंट्रूजन करके यहाँ से तकरीबन 50-55 किलोमीटर ऊपर ये सी इंट्रूजन होती है, और अगर आप पूरे डिस्टेंस को देखें तो तकरीबन ये 90-100 किलोमीटर का इलाका सी इंट्रूजन से इफेक्ट होता है। इसके साथ साथ जो पानी की कमी है कोटरी डाउन साउथ, साल के एक मेजर हिस्से में यहाँ पे पानी की कमी होती है। तो ये दोनों जो मैनेसेज हैं, दोनों जो अफरियत हैं, इनको अभी हमारा फोकस वापड़ा कर रहा है। हमारी जो कंसेप्चुअल स्टडी है वो एक ऐसी है कि जो इन दोनों मैनेसेज को ओवरकम भी कर सकती है, और इसके साथ साथ ये एक पैराडाइम शिफ्ट होगी, ऐसा कॉन्सेप्ट होगा विच विल ट्रांसिट द न्यू टू अ न्यू एरिया ऑफ डेवलपमेंट इन सिंध। यहाँ पे जो ये सी इंट्रूजन है जब इसको ख़त्म करेगी तो दिस विल हैव अ प्रोनाउंस इफेक्ट ऑन द मैंग्रोव्स, जहाँ पे मैरीन लाइफ है, जहाँ पे सी लाइफ है पाकिस्तान की। जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाएंगे, मे इट बी अ वियर, मे इट बी अ दराज, दैट बी एबल टू स्टॉप द वाटर हेयर, और यहाँ से 174 किलोमीटर अपस्ट्रीम हैदराबाद तक ये एशिया की एक लॉन्गेस्ट लेक बन सकती है। और हमारा जो स्ट्रक्चर है इट विल मेक श्योर कि इस रिजर्वायर का जो टेल एंड है दैट्स अबाउट 20-25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ कोटरी फॉर ऑब्वियस रीजंस। अब यहाँ से जो हम एक इरीगेशन सिस्टम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम किनाल्स निकाल सकते हैं लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, दिस विल बी अ ट्रेमेंडस बूस्ट टू एग्रीकल्चर। अब इसमें क्लाइमेट चेंज, इसमें जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हैं उसको एड्रेस करेगा, यहाँ पे सी इंट्रूजन को रोकेगा, और आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम जो नीड्स हैं इस इलाके की कि डाउन साउथ कोटरी आपको पानी अवेलेबल रहेगा अराउंड द ईयर, और इस इलाके की जो फर्टाइल लैंड आप देख रहे हैं दाएँ बाएँ, वहाँ पर जब पानी अवेलेबल होगा तो दिस कैन रियली उशर अ न्यू एरा ऑफ डेवलपमेंट इन दिस एरिया। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट हम इसका फाइनेंशियल मॉडल वो बनाएंगे जहाँ पे इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं जो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, इट बी ए वेरी अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट फॉर देम। और हमारी जो इनिशियल कंसेप्चुअल स्टडीज ये कहती हैं कि इसका जो इकोनॉमिक रिटर्न है वो दैट बी मोर देन 25%, 24-25%, और रिगार्डलेस ऑफ इट्स प्राइस दिस प्रोजेक्ट हैज़ अ पोटेंशियल टू रिकवर द प्राइस इफ नॉट मोर देन 3-4 ईयर्स ऑफ टाइम। सो वी आर हियर विद द टीम, वापडा ने अपनी कंसेप्चुअल स्टडी ऑलमोस्ट मुकम्मल कर ली है, and Allah willing the support of the government will be able to kick start this project and keep adding to a new era of development to the market.